नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सवाल, डिजिटल दंगाइयों की आरती उतारे जिस दंगा ब्रिगेड ने त्रिपुरा के बहाने फिर देश में सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश की, आरती उतारे उनकी। जिस दंगा कंपनी ने त्रिपुरा में दिल्ली से बड़ा दंगा कराने की कोशिश की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाने की कोशिश की कि त्रिपुरा में सिर्फ मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, मस्जिद जला दी गई, यह झूठ फैलाया गया। जिस दंगा गिरोह ने पुरानी तस्वीरों के जरिए हिंसा की आग में दंगों का घी डालने की कोशिश की, ऐसे डिजिटल दंगाइयों की पूजा करें, इनकी आरती उतारें, मेडल पहनाएं, या आतंक विरोधी कानून लगाकर इन्हें तुरंत जेल में घुसने की जरूरत है। सवाल इसलिए क्योंकि त्रिपुरा पुलिस ने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, झूठी जानकारी, फर्जी तस्वीरें, मनगढ़ंत बयान और फेक न्यूज फैलाने वाले 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आतंक विरोधी कानून यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की है। यूएपीए, और ध्यान रखिए, यह कार्रवाई बीजेपी सरकार के कहने पर नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर की गई। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक यह सच दबाने की कोशिश है। इसे राहुल गांधी पहले खुद यह बयान दे चुके हैं कि मुसलमानों के साथ क्रूरता हो रही है, हिंदू ढोंगी, ये सब, वो खुद इस लीग में शामिल थे अफवाह फैलाने में। असद ओवैसी भी फेक न्यूज फैला चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि 15 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ मस्जिदों को जला भी दिया गया। सोचिए, त्रिपुरा पुलिस बार बार कह चुकी है कि जिन्होंने कंप्लेंट फायर किया एफआईआर, वो भी नहीं कह रहे कि मस्जिदें जलाई गई हैं, लेकिन नेता मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल आज ये कि अगर देश का कानून सभी के लिए समान है, तो त्रिपुरा हिंसा पर सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले क्या सभी लोगों पर कार्रवाई होगी? डिजिटल दंगेबाज यूएपीए ही इनका इलाज। मस्जिद नहीं जली, अफवाह कैसे फैली? संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मेरे साथ वारिस पठान ऑल इंडिया एमआईएम से, वो मेरे साथ इस वक्त हैं। शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही तस्लीम अहमद रहमानी साहब है। रहमानी साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। संबित, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मेरे ख्याल से संबित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। नहीं, संबित आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, संबित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शहजाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई? शहजाद, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? संबित, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। रहमानी साहब, आपसे शुरू करें। अमन जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, शहजाद आप बोलिए। हाँ शहजाद, शहजाद, यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई? देखिए देखिए अमन जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज थोड़ा सा एको है, इसको करेक्ट करा दीजिए। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ कैराना में जो हिंदू पीड़ित, थोड़ा सा एको को प्लीज करेक्ट करा दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आज योगी आदित्यनाथ जब हिंदू पीड़ितों से मिलने गए तब उसको सांप्रदायिक कहा गया, पर त्रिपुरा में जो घटना नहीं हुई वहां पे मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति करना सेकुलरिज्म कहलाता है। अब जो देश में दंगे फैलाना चाहते हैं और देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जब उन पर यूएपीए कानून लगाया गया, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक साजिश है, और साजिश के पीछे कौन हो सकता है? केवल पाकिस्तान हो सकता है। तो अगर ऐसी साजिश करने वाले लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया जाता है, तो कुछ लोग राष्ट्र नीति पर राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूएपीए कानून को सख्त बनाने की पैरवी की। ये वही लोग हैं जिन्होंने तब वकालत की कि यूएपीए कानून बहुत जरूरी है और इसका मिसयूज नहीं हो सकता है। चिदंबरम जैसे लोगों ने बार बार कहा है, आज जब ये कानून अपनाया जाता है, लगाया जाता है, तो तुम करो तो गुनेगार और मैं करूं तो चमत्कार क्यों? आपको पहले भी पता होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जब नक्सलिज्म होता था तब अपने समय में कहते थे कि नक्सलिज्म देश का सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है, पर आज नक्सलियों को पकड़ा जाता है तो वो बोलते हैं कि ये वॉइस ऑफ डिसेंट है। तो देखिए, राष्ट्र नीति पर राजनीति करना कुछ लोगों की फितरत हो चुकी है। मुझे लगता है कि यूएपीए कानून लगाना बहुत जरूरी था, और जो लोग यूएपीए कानून का विरोध करते हैं वो दरअसल चाहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो, देश में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़े, और इसीलिए बार बार वो इस तरीके से पैरवी करते हैं ऐसे दंगाइयों। शहजाद, लेकिन सवाल तो ये है ना कि पिक एंड चूज को चुनिंदा लोगों पर सौंप, कितने नेता हैं जिन्होंने फैलाया? अब राहुल गांधी ने भी फैलाया ना झूठ, उन्होंने बोला मुसलमानों के साथ क्रूरता और हिंदू दंगाई, हिंदू ढोंगी, हिंदू ढोंगी उन्होंने कहा था।
अभी असद ओवैसी साहब लिख रहे हैं मस्जिद जला दी गई, इन नेताओं पर भी लगना चाहिए ना, इन पर भी कानूनी कार्रवाई हो। संबित आप बोलिए ये लोग सफल हो जाते तो देश में दिल्ली, मतलब मेरे को तो लग रहा है दिल्ली से बड़ा दंगा हो जाता। पूरी प्लानिंग थी त्रिपुरा के बहाने देश जलाने की। संबित देखिए अमन जी, पहले तो मैं न्यूज 18 और आपको धन्यवाद दूंगा कि त्रिपुरा के विषय में आज डिबेट कर रहे हैं। अमूमन नॉर्थ ईस्ट के विषय में हमारे देश में कम डिबेट होते हैं, अच्छी बात है कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में डिबेट कर रहे हैं। जो यूएपीए लगा है कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, उसके विषय में कुछ सच्चाई यहाँ मैं रखना चाहूँगा। मैं ये 6 पेज का आप देख सकते हैं, ये 6 पेज का हाईकोर्ट त्रिपुरा के अगरतला हाईकोर्ट बेंच का ऑर्डर लेकर आया हूँ। और ये किसने ये केस किया था मैं बता दूं, ये एक सुओमोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि खुद वहां के हाईकोर्ट ने लिया है, हाईकोर्ट ऑफ त्रिपुरा ने लिया है 26 अक्टूबर 2021 को नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जिस विषय में हम दंगों की बात कर रहे हैं। आप आखिरी पेज में देखिए, 6 पेज को मैं पढ़ के सुनाता हूँ कोर्ट क्या कहती है। वी डायरेक्ट द स्टेट टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट ऑल सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट सच फॉल्स फिक्शियस एंड और फैब्रिकेटेड न्यूज आर्टिकल्स और विजुअल फुटेजेस डू नॉट कम ऑन टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इवन इफ दे डू सो दे आर रिमूव्ड एट द अर्लीएस्ट अपॉर्चुनिटी। द कोर्ट कॉल्स अपॉन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू ऑल्सो एक्ट रेस्पॉन्सिबली सिंस टूडे। ये तो खुद अगरतला में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है। और देखिए अगर आप ये 5 पेजों को पढ़ेंगे, मैंने बड़े अच्छे से सघन अध्ययन किया है, इन 5 पेजों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। जहां तक इन तथा कथित दंगों का सवाल है उसमें त्रिपुरा हाईकोर्ट कहती है वाइल कमेंडिंग सच एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसको हम कमेंड अर्थात हम उसकी बधाई देते हैं, सराहना करते हैं। दीज स्टेप्स इन आवर कंसिडर्ड व्यू विल गो अ लॉन्ग वे इन रिगेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन ऑफ लार्ज। और उसके बाद कहती है मगर हम ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो सोशल मीडिया इस प्रकार से झूठी फैब्रिकेटेड वीडियो जो हमारे, अब पूरा पढ़िए समय नहीं होगा, छोटा डिबेट है, मगर मैं बता दूं इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश के वीडियो नहीं, हमारे देश के बाहर के वीडियो को इस्तेमाल किया गया। ये मैंने पढ़ा संबित, इसमें कहीं लिखा गया कि नेताओं पर कार्रवाई नहीं करनी, कि राहुल गांधी पर नहीं, असद ओवैसी, क्योंकि असद ओवैसी ने अभी अभी कहा है, मेरे पास जो स्टेटमेंट है, असद ओवैसी ने कहा है कि कुछ मस्जिदों को जला भी दिया गया है। वारिस पठान साहब लाइव है मेरे साथ, मैं उनसे पूछूंगा कौन सी मस्जिद जलाई, कहां जलाई, कहीं नहीं जली। मतलब त्रिपुरा के लोगों को नहीं पता मस्जिद जली है, दिल्ली के लोगों को पता है जल गई है, भाई वो कह रहे हैं नहीं जली नहीं जली, तो इन लोगों को क्यों छोड़ा है भाई? ये जितने लोग हैं इनको इम्यूनिटी मिली है क्या? हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इनको मत कुछ करिएगा। नहीं, प्रश्न बहुत वाजिब है। देखिए जहां तक मस्जिद जलने का सवाल है, मुझे लगता है करोड़ों जनता इस डिबेट को देख रही है, तो यहां कुछ दूध का दूध पानी का पानी भी मुझे करना चाहिए। देखिए पेज नंबर 2, हाईकोर्ट ने कितने सुंदर तरीके से पूरा इसका डिसेक्शन किया है। पेज नंबर 2 में हाईकोर्ट ने लिखा है कि ये जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन हुए हैं उसमें 2 FIR दर्ज हुए हैं और FIR के नंबर दिए हैं, और आगे मेंशन होता है कि FIR में भी कहीं मेंशन नहीं है कि कोई मस्जिद जली है। ना तो मुसलमानों ने FIR किया है कि मस्जिद जली है, ना तो किसी और ने FIR किया है कि मस्जिद जली है। जब वहां के बासिंदों ने ही FIR नहीं किया है कि मस्जिद जली है, तो ये मस्जिद कहां से जल गई? ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है।